वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक बात बताऊंगा भाई, यार सब्सक्राइब कर दो यार, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना क्योंकि आपको इंटरेस्टिंग वीडियो पहले मिलने के लिए। तो भाई सब्सक्राइब नहीं करते यार, सब्सक्राइब कर दो यार, सब्सक्राइब करने से कोई कुछ नहीं जाएगा भाई, लाल बटन दबाना, सब्सक्राइब कीजिए गुरु टेक्निकल शो। तो फ्रेंड्स, आपको कटर बनाने के लिए आपको चाहिए एक लकड़ी का बोर्ड जो कि मैं लिया हूँ, और उसके बाद एक बीज में से एक होल करना है आपको, मार्किंग लगा दे रहा हूँ मैं, तो मैं फटाफट होल कर लेता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा होल हो चुकी है। देखिए अच्छी तरीके से होल हो चुकी है। अब बारी आती है पीवीसी सीट की, तो आपको चाहिए पीवीसी सीट जो कि मैं लिया हूँ, और आपको एक पतला सा सीट कट करना है कैंची से या चाकू से, छुरी से आप कुछ कर सकते हो। तो फटाफट मैं कट कर लेता हूँ। देखिए तो कट हो चुकी है हमारे पीवीसी सीट। उसके बाद एक आपको मार्किंग लगाना है, इस तरह से कुछ रहेगा हमारा, तो आपको बीज में से मार्किंग लगाना है, इस तरह से लगेगा आपको मैं बता दूंगा। देखिए इस तरह से रखना है, और मार्कर के माध्यम से एक बीज में से एक मार्किंग करना है। देखिए दोस्त, मैं मार्किंग कर दिया हूँ, और गैस पे हीट करके आपको मोड़ लेना है कुछ इस तरीके से। ये तो गैस में हीट करके मोड़ लिया हूँ मैं, इसकी इस काम पे लगेगा आपको अभी पता चल जाएगा। देखिए दोस्त, कुछ इस तरह से रहेगा हमारा। चिपकाने से पहले आपको मैं एक बता देता हूँ, ये लकड़ी जॉइंट है कील के माध्यम से, और इसे खोलना पड़ेगा क्योंकि हमारा नाइक्रोमर लगेगा, तो अंदर के साइड लगाना पड़ेगा। तो देखिए दोस्त, ये होल हो चुकी है, हमको पता नहीं चल रहा है कि कहाँ पर नाइक्रोमर लगाना है, तो और एक बार पैकिंग करके होल करना है ऊपर से मार्किंग करने के लिए ड्रिल मशीन से। मैं 750 डीसी मोटर से ड्रिल मशीन चौक लगा के बनाया हूँ, आपके पास नहीं है तो आप मेरा वीडियो में देख सकते हो, मैं वीडियो में बनाकर दिखाया हूँ, तो मेरा चैनल में जाके देख सकते हो। मार्किंग करने के लिए अच्छी तरीके से मार्किंग करना होगा, उधर उधर होगा तो हमारा लकड़ी जल सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी मार्किंग हो चुकी है, और आपको एक चाहिए छोटी सी कील अभी इस तरह से, और आपको उधर से लगाना पड़ेगा, अच्छी तरीके से ठोक दीजिए। तो देखिए दोस्त, मैं मोड़ ले रहा हूँ कुछ इस तरीके से, मैं जैसा बता रहा हूँ वैसे ही करिए। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा हो चुकी है, अच्छी तरीके से मोड़ लिया हूँ, और इधर से वायर निकलने के लिए होल करना पड़ेगा, तो फटाफट मैं होल कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्त, होल हो चुकी है हमारी, देखिए दोस्त होल हो चुकी है अच्छी तरीके से। अब बारी है वायर की, तो देखिए दोस्त, आपको हैवी वायर लेना है, नहीं तो आपका वायर जल सकता है। तार को छील लेना है कुछ इस तरीके से, ज़्यादा छीलना है तार को, इसके बाद होल से निकलना है,
उसके बाद कील में जॉइंट करना है कुछ इस तरीके से, जैसा मैं कर रहा हूँ। अच्छे तरीके से जॉइंट करना है, आप चाहे नाइक्रो में यार देख सकते हो। मेरे सोल्डरिंग आयरन का एलिमेंट का ख़राब हो गया था, मैं उससे निकला हूँ। आप इलेक्ट्रिक दुकान में जाओगे तो आपको 5-10 रुपए में मिल जाएगा। आपको कम वाट में लेना है, आपके पास ख़राब पड़ा है तो और भी अच्छा है, क्योंकि नाइक्रोमीटर कभी ख़राब नहीं होता, उसका अंदर से एक तार टूट जाता है, तो आपको ख़राब ही लेना है। तो आपको नाइक्रोमीटर से एक थोड़ा कट कर लेना है, तो आपको नाइक्रोआर्म कील के माध्यम से जॉइंट कर लेना है अच्छे तरीके से। कुछ अच्छी तरीके से जॉइंट करना है, नहीं तो आपको पार्किंग हो सकता है, शॉर्ट सर्किट हो सकती है। उसके बाद वो लकड़ी जो हॉल कर रहा था उसके अंदर से निकलाना है। उसके बाद आपको फिर से वही पैकिंग कर देना है अच्छी तरीके से, तो देख सकते हो। तो पैकिंग कर दीजिए तो हमारा नाइक्रोमीटर लग के बाहर निकला है। उसके बाद आपको जो पीवीसी टुकड़ा कट किया था हमने, उसके बाद ऊपर से आप चिपकाना है। किस तरीके से चिपकाना है आगे वीडियो देखिए, आपको पता लग जाएगा। तो पहले आपको फेविक्विक से चिपकाना है अच्छी तरीके से, अच्छी तरीके से चिपकाना है। चिपकने के बाद आपको एक कील चाहिए, कील के नीचे जो कील के माध्यम से वायर को लपेटा है, तो आपको इस नाइक्रोमीटर को भी कील के माध्यम से लिपटना होगा अच्छी तरीके से। उसके बाद आपको एक वायर की ज़रूरत होगा, इस वायर को भी छील लेता हूँ अच्छे तरीके से। छीलने के बाद कील में जॉइंट कर देना है। तो देखिए हमारा जॉइंट हो सकती है। उसके बाद गम के माध्यम से चिपका देना है, तो आपको फेविक्विक चाहिए। गम लगाने के बाद आपको चिपका लेना है अच्छी तरीके से, जैसे मैं चिपक रहा हूँ। देखिए दोस्त, नीचे की साइड चिपकाना है आपको, जैसे कि पीवीसी सीट में नाइक्रोमीटर नहीं लगे, नहीं तो आपको पीवीसी सीट पिघल सकता है। देखिए अच्छे तरीके से लग गया है। उसके बाद वायर नीचे से लेना है, डिजाइन अच्छा है लगने के लिए। तो देखिए दोस्त हमारा कंप्लीट हो चुकी है। देखिए दोस्त कंप्लीट हो चुकी है अच्छी तरीके से। देखिए आपको थोड़ा बहुत दिख रहा है नाइक्रोमीटर, बहुत पतला है तो कैमरा भी कैप्चर नहीं कर पा रहा है। देखिए देखिए दोस्त, मैं वो पावर सप्लाई बनाया था, आप जाके मेरा वीडियो देख सकते हो चैनल में जाके। देखिए वही पावर सप्लाई से हम 12 वोल्ट पावर सप्लाई लेंगे। पहले आपको मेल चाहिए, आपको मेल सॉकेट इस तरीके से, उसके बाद फीमेल में लगाना है, उसके बाद पावर सप्लाई देना है 220 वोल्ट का। उसके बाद पावर आने के बाद 12 वोल्ट आपको इधर से पावर सप्लाई देना है। देखिए रेड लाइट जल चुकी है हमारी, तो पावर आ चुकी है।
तो अंधेरे में आपको बताता हूँ ये रेड हो रही है नहीं। देखिए दोस्त, मोबाइल की कैमरा कैप्चर नहीं कर पा रहा है, आपको थोड़ा बहुत तो दिख रहा है। देखिए दोस्त, थोड़ा बहुत दिख रहा है। देखिए दोस्त थोड़ा बहुत दिख रहा है आपको। तो मैं लेके आ चुका हूँ थर्माकोल, अब टेस्टिंग करेंगे हमारा काम कर रहा है। वाह, देखिए दोस्त क्या काम कर रहा है, मक्खन की तरह काट रहा है। देखिए फ्रेंड्स कितना मस्त चल रहा है। देखिए दोस्त मक्खन की तरह काट रहा है। देखिए दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो यार चैनल को, छोटे भाई का चैनल है यार। देखिए फ्रेंड्स कट हो चुकी है। तो यार फ्रेंड्स, आप सब्सक्राइब नहीं करते तो वीडियो देख के चले जाते हो यार। अरे भाई, छोटे भाई का वीडियो है यार, प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको पहले मिलने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तो थैंक यू, बाय बाय फ्रेंड्स।